हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज फिर से न्यू राइड पे निकले हैं। तो आज बारिश हो रहा था तो अभी थोड़ा कम हुआ, तो सोचे चलते हैं एक राइड कर लेते हैं। क्योंकि अब अल्टरनेट में मुझे आप लोग को प्रॉमिस किए हैं कि अल्टरनेट में वीडियो आएंगे मेरे, और हाँ मेरे वीडियो डेली दो से तीन के बीच में अपलोड हो जाता है। तो आप लोग देख लेना और कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, और लाइक भी कर दिया करो। आपसे लाइक टारगेट एम रखेंगे कि इतने लाइक करने हैं। ऐसे आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हो वीडियो पे, तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है। ऐसे किनके तरफ बारिश हो रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे पटना में तो इधर बारिश स्टार्ट हो गई है, आप देख ही सकते हो। तो इस टाइम छूटा है तो थोड़ा बाइक सोचे कि बाइक राइड कर लेते हैं। ऐसे मज़ा आ रहा है इस टाइम क्योंकि एकदम वेदर मस्त हो गया है। ऐसे इधर इतना पटना में गर्मी था कि आप तो राइड के लिए निकल ही नहीं सकते हो, तो इसीलिए और इधर बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी इतना था कि बाइक पूरा हीट हो जा रहा था। और मतलब ऐसे निकलने पर लग रहा था जैसे पूरा बॉडी जल जाएगा। बट अब मौसम बहुत अच्छा हो गया तो हाँ भाई, एक न्यू राइड स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इस बार कहाँ घूमने जाते हैं, थोड़ा बारिश और अच्छे से होने दो। सोच रहे हैं सासाराम एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि जल्द ही एक लॉन्ग टूर का वीडियो आने वाला है। तो भाई लोग सासाराम जल्द ही जाने वाले हैं वहाँ एक्सप्लोर करने अच्छे से, क्योंकि वहाँ बारिश के बाद वहाँ का पहाड़ में घूमने का मज़ा ही कुछ और आता है। और एक दो जगह है जो मेरा फेवरेट है, तो वहाँ तो इस बार ज़रूर जाने वाले हैं। और हाँ बाइक से ही जाएँ, कार से तो नहीं जाने वाले क्योंकि कार से उतना मज़ा नहीं आता। और बाइक से जाएंगे तो वहाँ पे पहाड़ भी है, उधर भी थोड़ा चढ़ने में मज़ा आता है। तो देखो इस बार कहाँ कहाँ जाते हैं, ऐसे जल्द ही प्लान होगा। शायद अगले मंथ में 10 के बाद जाने वाले हैं सावन में, क्योंकि थोड़ा बारिश भी हो जाएगा तो वेदर भी अच्छा हो जाएंगे, और फिर हरियाली भी ज़्यादा दिखते हैं तो घूमने में भी मज़ा आता है। भाई लोग मेरे पिछले वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और यार इस टाइम तो मेरे अटल पथ पे बाइक स्लो चलाने में मज़ा ही कुछ और है। एकदम आराम से चलो और व्यू का आनंद लेते रहो। ऐसे आप देख ही सकते हो इस टाइम वेदर कितना अच्छा हो रहा है। तो कौन कौन पटना से हैं वो कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहो। तो और हाँ भाई लोग, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। और इस बार का लाइक है मैं 100, क्योंकि 150 तो के आसपास आप लोग कर ही देते हो। ऐसे थोड़ा अच्छे से सपोर्ट दिखाओ तो और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। और ऐसे सासाराम में कहाँ कहाँ घूमने वाला जगह है आप लोग कमेंट में बता देना, क्योंकि हम तो वहाँ कभी गए नहीं है तो फर्स्ट बार जा रहे हैं। ऐसे वहाँ का तो सुनने में आया कि बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं घूमने वाले। ऐसे मैं तितला बहानी तो जानता हूँ कि मतलब वहाँ पे वो वाटरफॉल रहता है, और भी बहुत जगह देखे थे। ऐसे हम लोग देख लें कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि इस बार तो आप लोग के लिए ब्लॉग भी अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहना, और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू।